हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा, ये ब्लॉग है मेरा और मैं शिमला में हूँ। तो हम लोगों का आज जो मन है ट्रैकिंग करने का है, सोच रहे हैं कि इतनी प्यारी लोकेशन में हिल स्टेशन पर कहीं पर हम मैगी बनाएं, चाय बनाएं। तो जगह हम स्पेस ही ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ मिल जाए हमें, लेकिन हमें नहीं मिल रहा क्योंकि हर जगह तो क्राउड ही है ऑलमोस्ट, और बारिश भी हो रही है। मेन चीज़ बारिश हो रही है, तो इस बारिश में हम कैसे ही यू नो चूल्हा में आग लगाएंगे और किस तरीके से हम अपनी मैगी या हम चाय बनाएंगे। लेकिन फिर भी हम हार नहीं मान रहे हैं, तो हम इस लोकेशन में पहुंच चुके हैं, सुंदर और प्यारी जगह, और बारिश भी हो रही है। तो ये लोकेशन हमें इसलिए अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर घर बन रहा है और हमने परमिशन ली है उनसे, उन्होंने कहा आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। और मेन थी क्या है कि यहाँ पर हमें लकड़ी भी मिल गई दोस्तों। यूँ कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह होती है, तो हमारी राह अपने आप निकल गई, हमें स्पेस भी मिल गया, हमें लकड़ी भी मिल गई, क्या ही बताएं, सोने पे सुहागा ही हो गया। ये हमारा सामान है जिसमें हमने गिलास रखे हुए हैं, पानी की बोतल है, ये है मैगी है, सब कुछ है, और ये हम चूल्हा ला बना रहे हैं। प्रीति मैडम बहुत ही होशियार है। ये प्रीति मैडम हैं, हमने इनसे कहा था कि लकड़ें सारी गीली हैं, बहुत मुश्किल से जल पाएंगी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं जला कर रहूँगी, मैगी बना कर रहूँगी। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं। तो यार आप सोच ही नहीं सकते कि गीली लकड़ों में भी आग जला लेना बहुत ही यू नो काबिले तारीफ बात होती है। तो इन मैडम ने हम सभी को एक अच्छी सी मैगी बना कर खिलाई है, ट्रैकिंग की है हमने, जो मेरे मन में था। मैं तो सोच रही थी कि इस बारिश में हम लोग यू नो अपने आप से चाय बनाना या मैगी बनाना हो ही नहीं पाएगा क्योंकि बारिश हो रही है, हमें ऐसे जगह मिल ही नहीं रही थी। तो कहते हैं ना कि जब मन में कोई शिद्दत हो तो कायनात भी आपका साथ देती है, तो वही ऐसा ही हुआ। हमें मिल गई ऐसी जगह जहाँ पे लकड़े भी थी और मकान भी बन रहा था, तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया। तो हमने ईंटें लगाकर इस तरह से चूल्हा बना लिया है दोस्तों। आप देख रहे होंगे मैगी के लिए हमने मतलब पानी डाल दिया, बड़ा पतीला हम लेके गए थे, सामान ट्रैकिंग के लिए हम सब कुछ लेकर ही गए थे। एक मेरे दिल की ये इच्छा थी, मन था कि हम कर एक ठंडी जगह पर यू नो चाय बनाएं और खुद अपने आप पिएं। होटल में या ढाबे पर तो चाय मैगी हर कोई खा ही लेता, लेकिन ये ट्रैकिंग करना तो एक वाकई में मज़ेदार बात रही है, और बच्चों के लिए एक एक्साइटमेंट रहा, एडवेंचर रहा, और हम सभी को बहुत मज़ा आ गया क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें होती चली गई, आग भी जल गई, लकड़ भी मिल गई, चूल्हा भी मिल गया, घर भी मिल गया, और लोकेशन तो है ही बाहर बहुत प्यारी सुंदर, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। चारों तरफ बादल ही बादल है, फॉग हो रहा है और बारिश हो रही है, और ठंडा मौसम इतना है कि मैं क्या बताऊं, मैंने तो जैकेट ही पहन ली। मैं वन पीस ड्रेस पहन के गई थी, लेकिन ठंड इतनी थी कि मैंने ऊपर से जैकेट भी पहन ली। तो आप देखेंगे वेदर कितना कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है। मुश्किल था क्योंकि बारिश हो रही थी और सारी लकड़ें गीली होने के बावजूद भी हमारी मैडम प्रीति जी हैं जिन्होंने गीली लकड़ों में भी आग लगा दी। तो सोचो क्या बात है फ्रेंड्स, आग जलाने के लिए फूकनी की जरूरत होती है, तो हमें यहाँ पाइप भी मिल गया, तो सब कुछ हमारा होता ही चला गया। ये मैगी मैं सही बता रही हूँ, अगर यहाँ पे बेची जाए ना या खरीदी जाती तो कम से कम 2000 की तो मैगी मिलती, जरा जरा सी मैगी 100 रुपए में मिलती है। तो ये हमारा ट्रैकिंग हो गई है, चूल्हा जलाया है और मैगी बन गई, इसके बाद हम चाय बनाने वाले हैं। भाई एक भी गरम मत करना, खाओ ना आटे की है ना, आटे वाली। तो फ्रेंड्स मैगी मैंने सबको दे दी है, सबको ज़्यादा मैगी मिली है, इतनी क्वांटिटी कम से कम 200 की यहाँ मिल रही थी क्योंकि हमने होटल में भी खाई थी। तो हिल स्टेशन में मैगी का मज़ा ले रहे हैं हम लोग। आ जाओ बोलू, उधर आ जाओ उधर। तो ये है पहाड़, देख रहे हो, आप देखेंगे माय गॉड चारों तरफ फॉग है, बादल हैं और कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें ऐसे में मैगी खाना अलग ही बात है, मज़ा ही अलग है।
इतनी एक्स्ट्रा मैगी बन गई थी कि जिनसे हमने परमिशन मांगी थी हमने उनको भी मैगी दी थी कि वो लोग भी शेयर कर लें। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, अच्छी बात होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चाय का टाइम हो चुका है और ठंडा मौसम हो रहा है, शाम के 5 बज चुके हैं, यू नो, और बारिश कंटिन्यू हो ही रही है धीरे धीरे, रिमझिम रिमझिम, और इसमें चाय मिल जाए अदरक वाली तो मज़ा ही आ जाए। मुझे कुछ कोल्ड भी हो रहा था, पूरे शिमला ट्रिप में मुझे कोल्ड रहा है, मैगी ऐसे में मुझे अदरक वाली चाय मिल जाए तो उसकी बात ही क्या है। वो हम बना रहे हैं, चाय बना ली जाए, ज़्यादा अदरक डाल रही है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा कोल्ड थोड़ा सा ठीक हो जाए, गरम गरम चाय अदरक वाली। तो फ्रेंड्स, किस किस को अदरक वाली चाय पसंद है तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए। और अदरक डाली है, हिल स्टेशन में चाय मिल जाए और अपनी पसंदीदा चाय मिल जाए तो बात ही अलग है। वैसे मैं कम मीठा लेती हूँ, तो मैं आपको कुछ लोगों से ऐसे मिलाऊंगी जो काम चोर है बिल्कुल, उसे उन्हें कोई काम नहीं करना, सिर्फ वीडियो बनानी है, फोटो बनानी है, काम चोटी लड़कियां हैं और बता रही हूँ मैं, इन्होंने कुछ नहीं कराया, बैठी रही है मैडम और बस फोटो रील और वीडियो बनाती रही है, काम चोर नंबर वन। और वो तो पीछे वाला तो खैर उसने काम करवाया, वो तो उसकी तो तारीफ होनी चाहिए, लेकिन ये दो लड़कियों की इतनी मैं बताऊं काम चोटी रही है हमारे ट्रिप में, बस खाना पीना और सोना और घूमना यही काम रहा है। तो मेहनती लोग हम लोग हैं, हमने अब चाय बनाई है, मज़ा ही आ गया, सब चाय पी रहे हैं और क्या ही बताऊं फ्रेंड्स, इस चीज़ का भी आप मज़ा ज़रूर लीजिएगा। आप जा रहे हैं ट्रिप में तो ट्रैकिंग जरूर करिएगा, और हम तो ये कहेंगे कि ये वाला ट्रिप हमारा सबसे बेस्ट और प्यारा रहा है क्योंकि इसमें हमने अपने आप से चाय बनाकर पी है, उसकी बात ही अलग है। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि हम लोग निराश हो चुके थे कि यहाँ से जाएंगे मुश्किल है मैगी या चाय बनाना, तो ये एक ब्लॉगर हैं सर जी, ये अपने ब्लॉग बनाने लगे हुए हैं लेकिन काम करते हैं, बात कम मानते हैं, शरारती बहुत हैं। तो ये मेरी बेला है, ये मेरी प्यारी बच्ची भी ट्रिप पर गई थी, इसने भी मैगी खाई है, तो मज़ा ही आ गया दोस्तों इस ट्रिप में, रियली बता रही हूँ। जो खुशी मिली है हम सबको उसकी क्या कहने, किसने, चलो बाय बोलो बच्चों, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हम सभी ने यहाँ पे ट्रैकिंग करी है, अब हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। तो बारिश अब बंद हो गई है और ठंड इतनी हो गई है मैं क्या बताऊँ, चिल मौसम हो चुका है शिमला का, मज़ा ही आ गया वाकई में, और इतना अच्छा रहा हमारा ये ट्रिप, बहुत ही शानदार रहा है। आप बाहर का मौसम देखेंगे बहुत सुहावना और सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा हमें ट्रैकिंग करके, बच्चों को भी मज़ा आया। हमने इसकी उम्मीद ही खो दी थी कि हमें इस तरीके का कोई स्पेस मिलेगा क्योंकि जगह जगह बारिश हो रही थी, कहीं पर भी जगह नहीं मिली थी, तो पर्टिकुलर भगवान ने भी हमें रास्ता दिखा दिया कि चलिए आप लोग यहाँ अपना मन मत मारिएगा। तो आई एम जस्ट किडिंग फ्रेंड्स। तो होप सो आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। अब मुझे लग रही है ठंड और हम जा रहे हैं होटल की तरफ, पहुँच जाएंगे हम लोग, 1.5 घंटे का रास्ता हमारे होटल का, तो मज़ा ही आ गया और शानदार रहा मेरा ट्रिप। तो होप सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेरे व्लॉग्स को देखते रहिएगा, शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करते रहिएगा, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल माई फ्रेंड्स।